हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल इलाइट लुक्स। मेरा नाम है नौशीन एंड आप सभी लोगों को ब्लश लगाना तो बहुत पसंद होगा एंड बहुत से लोगों को डाउट होता है कि लिक्विड ब्लश बेटर है या फिर पाउडर ब्रश। सो गाइज, मैं बता दूँ, दोनों ही ब्लश अच्छे होते हैं। आप चाहे तो लिक्विड ब्लश अप्लाई कर सकते हो या फिर पाउडर ब्रश। पाउडर ब्रश लगाना तो बहुत आसान होता है, आपने ब्रश की हेल्प से लो एंड देन आप अप्लाई करो। बट लिक्विड ब्लश में बहुत से लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उनका मेकअप अच्छा लगने के बजाय जोकर लगने लगते हैं, क्योंकि वो लाल लाल दो दो यहाँ पे आ जाते तो आप जोकर ही लगोगे एंड प्लस वो अच्छे से आपके ब्लेंड भी नहीं हो पाता। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ कि आप लिक्विड ब्लश कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, लिक्विड ब्लश अगर आपके पास नहीं है सो आप लिक्विड लिपस्टिक का भी यूज़ कर सकते हो अपने कलर के चॉइस के, कोरल कलर, पिंक कलर या रेड कलर, कोई भी कलर की आप लिक्विड लिपस्टिक ले लो, उसको आप एज अ ब्लश अप्लाई कर सकते हो। बट ब्लश जब भी आप अप्लाई करो लिक्विड ब्लश, तो आप पाउडर लगाने से पहले, मतलब आपने प्राइमर लगाया, फाउंडेशन लगाया, देन आप कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज पाउडर लगाते हो। सो पाउडर लगाने से पहले आपको लिक्विड ब्लश अप्लाई करके उसको ब्लेंड कर लेना है, देन आपको पाउडर अप्लाई करना है। आप चाहो तो फाउंडेशन से पहले ब्लश अप्लाई कर सकते हो या फिर फाउंडेशन के बाद ब्लश अप्लाई कर सकते हो। सो मेरे पास भी लिक्विड ब्लश नहीं है क्योंकि लिपस्टिक इसका काम कर देती है, तो अलग से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो मैं यहाँ पे ये माई ग्लैम का पिंक कलर की लिपस्टिक है उसको यूज़ कर रही हूँ एज अ ब्लश। सो मैंने अभी फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, देन उसके बाद मैं थोड़ा सा ये लिक्विड लिपस्टिक अपने चीक्स पे लगा के उसको ब्लेंड करूँगी। ध्यान रखना है आपको कि आपको एक गाल पे लगा के उसको ब्लेंड करके देन दूसरे गाल पे लगाना है। ये नहीं कि आपने दोनों गाल पे लगा लिए फिर आराम से एक ब्लेंड कर रहे हैं, दूसरे के लिए टाइम छोड़ दिया, तब तक आप दूसरा जब ब्लेंड करने जाओगे तब तक वो सूख चुका होगा एंड वो ब्लेंड नहीं होगा। इसी वजह से आपको लगता है कि आपका ब्लश अच्छे से ब्लेंड क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा मैं सिर्फ थोड़ा सा इतना अमाउंट आपको लगाना है एंड देन आप स्पंज की हेल्प से इसको ब्लेंड करो। अभी आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आप एक ही जगह लगा के सही से ब्लेंड नहीं कर रहे हो। अगर आप इसको सही से ब्लेंड कर लोगे, दिस मैंने यहाँ ब्लेंड कर लिया, कितना अच्छा हल्का सा पिंक रेडिश ग्लो टाइप का ब्लश अप्लाई हो गया है। आप देख सकते हो इधर मैंने ब्लश नहीं लगाया है एंड इधर लगाया है। अगर आपको बहुत हल्का लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा आप और ऐड कर सकते हो इस तरह से एंड देन आपको फटाफट से अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। सारा खेल इसमें ब्लेंडिंग का ही है। देन इसको ब्लेंड करने के बाद हम दूसरे चीक पे अप्लाई करेंगे इसको थोड़ा सा इस तरह से एंड इसको भी आपको ब्लेंड कर लेना है। और ध्यान रखना है ब्लेंड हमेशा इस तरह से नहीं, आपको इस डायरेक्शन में ही इसको ब्लेंड करना है। एक चीज़ और गाइस, कि अगर आप कभी कभार ब्लश लगा रहे हो बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है कि नहीं ये ब्लश तो बहुत ज़्यादा अप्लाई हो गया है, ब्लेंड भी नहीं हो रहा है, सो आप पूरे फेस पे इसको रब मत करो। प्लस उसको आप निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई करके देन ब्लेंड कर लो, सेटल हो जाए। आप देख सकते हो मेरा ब्लश कितना ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। नहीं, देन आप कॉम्पैक्ट पाउडर ईजिली अप्लाई कर लो इसके ऊपर, सिंपल जैसे आप अप्लाई करते हो। That's it. So yeah guys, इस तरह से अगर आप लिक्विड ब्लश अप्लाई करोगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है वो। और सबसे बेस्ट बात लिक्विड ब्लश की ये होती है कि बहुत देर तक स्टे करता है। ये जैसे पाउडर ब्रश होता है वो बहुत जल्दी फेड आउट हो जाता है, निकल जाता है, बट लिक्विड ब्लश आपका स्टे करेगा काफ़ी देर तक। मतलब सुबह से लगाए हो तो शाम तक आराम से चलेगा एंड अगर आप इसके ऊपर सेटिंग स्प्रे लगा लेते हो तब तो लॉक हो गया, मतलब जब तक आप उसको रिमूव नहीं करोगे तब तक वो हटेगा नहीं। सो यार, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट लाइक शेयर एंड हाँ, कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हो। एंड हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @नौशीन_सिद्दीकी_। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।